हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में क्लास टेंथ का इंग्लिश का प्रोज का दूसरा चैप्टर ए लेटर टू गॉड। और आज इस वीडियो में इस पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट के दो वीडियोस में आपने देखा है चार लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किया है। आज इस वीडियो में भी हम दो लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ और इस पार्ट का कह सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हुए आइए हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन स्टोरी ए लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप इस कहानी में भगवान के नाम एक पत्र कहानी में डाकपाल के चरित्र को किस प्रकार पसंद करते हैं, अपने विचार दीजिए, अपने तर्क दीजिए। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे शब्दों में पूछ सकता है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर इन लेसन ए लेटर टू गॉड। या फिर वो आप सीधे आपसे कहेगा कि पोस्ट मास्टर में करा है कि डाकपाल का चरित्रण करिए। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2007 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। देखिए करा है, व्हेन अ पोस्ट मैन सोड अ लेटर एड्रेस टू गॉड द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। करा है कि जब डाकिया ने ईश्वर के नाम का भेजा पत्र डाकपाल को दिखाया तो वो पहले जोर से हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, उसने कहा या इच्छा जताया कि काश मेरे पास भी ये विश्वास होता जो उस आदमी की जितना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया और स्वयं उसने अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया। एनी हाउ ही सेंट टू द नीडी मैन a little more than half, whereas the letter writer wanted 100 pesos. करा है कि और उसने जरूरतमंद व्यक्ति को वो जो धन इकट्ठा किया था उन्हें भेज दिया, लेकिन वह धन इतना नहीं था कि जितना उसने मांगा था, यानी पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने जितना उससे धन मांगा था, 100 pesos मांगा था, तो वो उतना नहीं था। आगे देखिए कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, बट लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज अ बंच ऑफ क्रुक्स बिकॉज ही रिसीव्ड लेस मनी देन व्हाट ही आस्क्ड फॉर। कह रहा है कि जो डाकपाल था वो संतोष से भरा हुआ था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, जबकि लेंचो है जो है वो डाक कर्मचारियों को ठगों का समूह बताता है क्योंकि उसने जितने पैसे मांगे थे उसमें कम थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत इजी है, मैंने हिंदी में भी साथ में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको मेमोराइज करने में दिक्कत ना हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। और चलिए इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच माने चरित्रण होता है, लेंचो के चरित्रण लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल, वह निचली पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी पर घाटी में रहता था। कह रहा है वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक घाटी में रहता था। वन डे ही फेस्ड रून ड्यू टू अ सर्वर स्नोफॉल रिजल्टिंग अ टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप। कह रहा है कि एक दिन कठोर या बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने के कारण उसका जो फसल था पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसे बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा।
He was very poor, वह बहुत गरीब था. He had to support his family, but his crop were ruined. उसे अपने परिवार का सहायता करना था, लेकिन उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था. So he turned to God in distress. करा है इसलिए वह डिस्ट्रेस माने विपत्ति में आए हुए मुसीबत के समय में भगवान की ओर प्रेरित हुआ या भगवान की ओर मुड़ा. जैसे भी हमें जीवन में कठिनाइयां होती हैं तो हम भगवान पे ज़्यादा हमारा विश्वास जाता है. तो उसी प्रकार से आगे देखिए इस क्वेश्चन में हमें अभी इतना पर्याप्त नहीं है और लिखना है. तो करा है ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट. वह बहुत ही साधारण और इनोसेंट माने मासूम या निर्दोष. He had a great faith in God, so he wrote a letter to God to help him, sending 100 pieces. वह कह रहा है कि he had a great faith in God. उसका भगवान में अटूट विश्वास था, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा उसे 100 pieces भेजने के लिए. When he got the letter with money retained by the postmaster and counted it less, he felt furious. करा है कि जब उसने पोस्टमास्टर द्वारा यानी डाकपाल द्वारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त किया और उसमें धन गिने और जब उसे कम पाया तो वह फ्यूरियस माने क्रोधित हुआ. Now he wrote another letter to God asking him to send the rest of money not by post as the post office employees were a bunch of crooks. इसलिए कह रहा है कि तब उसने दूसरा पत्र लिखा भगवान से बचे हुए धन को भेजने के लिए, क्योंकि जो डाकपाल कह रहा है कि जो डाक घर के कर्मचारी थे वो बेईमानों का समूह था, इसलिए उसने डाक से न भेजने के लिए कहा. द स्टोरी डिस्क्लोज दैट लंच वॉज वेरी सिंपल इनोसेंट एंड अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन. कह रहा है कि कहानी हमें बताती है कि कहानी से हमें पता चलता है कि लेंचो एक बहुत ही साधारण मासूम या निर्दोष ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाला या मेहनती व्यक्ति था. हिज फेथ इन गॉड वॉज यूनिक. उसका भगवान में अटूट विश्वास था. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो के दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर मेमोराइज कर लीजिए. तो आप इस पार्ट के अगर आपके बाकी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर हैं तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. और मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उन बच्चों के लिए जिनकी मेमोरी मेमोराइजेशन पावर बहुत ही वीक है, ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस पार्ट का एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर याद करें. और वो क्वेश्चन आप चूज़ करें याद करने के लिए जिसमें इस पार्ट का पूरा स्टोरी दिया गया हो. जैसे लंचो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आप ले सकते हैं, या फिर तीन क्वेश्चन हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर याद करें, ताकि जब भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो कम से कम आप इस पार्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिख सको, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके. तो आप इस तरह से अपना नंबर गेन कर सकते हो. इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश बहुत ही इजी है. नंबर गेन करने के लिए बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए. तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर दूंगी. इस तरह से आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए. ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. प्लीज़ मेहनत से पढ़िए और आगे बढ़िए, और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करिए. थैंक यू सो मच.